वेलकम टू द चैनल दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल टोमेटो रसम की रेसिपी। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ही अच्छा है ये और ठंड में तो इसे ज़रूर बनाकर एक बार खाना चाहिए। और ऐसे भी आप बनाकर खा सकते हैं, बहुत लाइट होता है और बहुत ईजिली बन जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। मैंने 3 टमाटर ले लिया मीडियम साइज़ का, उसे कट कर लिया, और ये है धनिया पत्ती का जो डंडी होता है वो, इन दोनों को मैं ग्राइंडर में डालकर और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये टोटल 1 कप हुआ है ग्राइंड करने के बाद, और इसमें मैं टोटल अभी 3 कप पानी ऐड करूँगी। तो ये हो गया पूरा 1 कप इसका जो ग्राइंड करके पेस्ट बना था वो। फिर इसमें मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ, 3 गुना, क्योंकि रसम थोड़ी पतली अच्छी लगती है और खट्टी सी। तो मैं बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल ऑथेंटिक रसम की रेसिपी बता रही हूँ। अब हम लोग इसे गैस पे चढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो इसे अच्छे से मिलाने के लिए एक बार हाथ से इस तरीके से इसे मिला ले ताकि इसका पूरा पल्प पानी में अच्छे से घुल जाए। उसके बाद हम लोग इसे गैस पे चढ़ाने के बाद इसमें तुरंत डालेंगे सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर और ये स्प्लिट किया हुआ ग्रीन चिली जो बीच से चीरा लगा कर करते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे बॉयल होने देना है, तब तक जब तक ये ग्रीन चिली इसकी पूरी सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ा सा इसमें थिकनेस ना आ जाए। इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है क्यूमिन सीड, ब्लैक पेपर का पाउडर, करी लीव्स एंड गार्लिक, और इन सब को हम लोग ये मोर्टर एंड पेस्टल में अच्छे से कूट लेंगे। इसे पीसना नहीं है, बस इसे कूट लेना है इसी तरीके से। और ये देखिए रसम में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरीके से बॉयल करना है मीडियम फ्लेम पे। तो एक बार इसे खोलकर मैं चला दूंगी, तो देखिए किस तरीके से ये बॉयल हो रहा है, और चलाने के बाद वापस से मैं इसे ढककर फिर से इसे 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल होने दूंगी। तो मैंने फिर से इसे ढक दिया है, तो ये देखिए ये हो चुका है। अब देखिए इसकी ग्रीन चिली भी कितनी सॉफ्ट हो गई है, और ये हो चुका है। अब हम लोग इसमें मीडियम फ्लेम पे इसे रखेंगे और जो मसाला कूट कर रखे थे वो इसमें मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिलाने के बाद। और ये है इमली का पानी, जो कि मैंने इमली को भिगो कर रख दिया था, पल्प जिसे कहते हैं, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। ये ज़रूर डालिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अगर आपकी टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टी है तो थोड़ा कम डालिएगा, बट डालिएगा ज़रूर। अब देखिए इसमें ये फोम क्रिएट होने तक इसे इसी तरीके से बॉयल होने देना है। देखिए वाइट वाइट ऊपर कैसे फोम आ रहा है इसके ऊपर। तो तकरीबन मैं इसे बॉयल होने दी हूँ उसके बाद 5 मिनट के लिए। अब हम लोग लगाएंगे इसमें तड़का। तो मैंने लिया है ऑयल, उड़द दाल, राई और करी लीव्स, इन सब को ब्राउन होने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए हो चुका है, ये हमने लगा दिया इसमें तड़का। तो चलिए अब गर्मा गर्म से सर्व करते। तो ये देखिए हमारा खट्टा सा पतला सा रसम, जो कि सूप का भी काम करेगा ठंडे में। अगर आपको ज़ुकाम और खांसी हो जाए तो इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर है, टोमेटो है, तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और रसम सिर्फ और सिर्फ गरम गरम वाइट राइस के साथ खाई जाती है, और ऐसे भी आप इसे पी सकते हैं सूप के जैसे। तो चलिए बहुत जल्द मैं मिलूँगी अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।